दिल्ली देगी दस्तक 10 तारीख को दुबई में मुंबई पलटन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। इट्स ओनली फेयर, जो टीम्स लीग फेज में थी नंबर एक और नंबर दो पर आर द लास्ट टू टीम्स स्टैंडिंग। इट्स मुंबई पलटन वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि पहली बार कहने का मौका मिल रहा है, सी आई टोल्ड यू सो। नहीं, ये नहीं कहा था मैंने कि दिल्ली जीतेगी ये मुकाबला, पर मैंने ये जरूर कहा था कि एक बार, इनफैक्ट 16 अक्टूबर को कहा था कि क्या हम मुंबई और दिल्ली का फाइनल करा दें। उसके बाद बहुत कुछ उठा पटक हुई, दिल्ली एकदम से लुढ़क गई, सनराइज हैदराबाद उड़ गई, किंग्स इलेवन पंजाब ने कमाल किया था, पर अंत में अंत भला तो सब भला। ऋषभ पंत का किस दिन बल्ला चलेगा वो हम देखेंगे, पर इस समय मुकाबला जीत लिया है, सूर्य अस्त कर दिया सनराइज हैदराबाद का। दो साल लगातार, लेट्स बी फेयर, 2019-2020 दोनों बार प्लेऑफ्स में हराया हैदराबाद की टीम को दिल्ली के लड़ाकों ने, और पहली बार फ्रॉम द क्लास ऑफ 2008 वो जो ओरिजिनल जो थी 8 टीमें, उनमें से पहली सिर्फ एक ही टीम थी जो फाइनल तक नहीं पहुंची थी, वो थी पहले दिल्ली डेयरडेविल्स, अब दिल्ली कैपिटल्स। अब पहुंच गई है दिल्ली, दिल्ली दुरुस्त है, दिल्ली दुरुस्त नहीं है। चलो फटाफट से अपना मेन्यू कार्ड दिखा देता हूं मैं कि क्या क्या इस पे है। देखिए, तो दिल्ली का पहले तो ओपनिंग कॉम्बो की बात करते हैं कि कुछ बदलाव किया, चीजें बदल गई और बहुत कुछ बदल गया एक्चुअली। फिर हैदराबाद ने कैचेस भी छोड़ी ना मियां, अगर कैचेस छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। कैच सेलेक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हैदराबाद के नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन की और उनकी बल्लेबाजी की और डेप्थ और द लैक ऑफ इट, अब्दुल समद, ऑल ऑफ दैट इन दैट वन लिटिल थिंग। फिर हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैस्ट्रल एक्टिव गेम चेंजिंग मोमेंट, जो टर्निंग पॉइंट होता है उसकी भी बात करेंगे। पहले पहले शुरू से शुरू की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और ढेर सारे बदलावों के साथ उतरे, पर ढेर सारे तो नहीं पर बदलाव तो थे भाई। देखिए, डैनियल सैम्स नहीं खेले, प्रवीण दुबे को मौका मिला, हेटमायर खेले, अब हेटमायर किसकी जगह आएंगे, पृथ्वी शॉ बाहर चले गए, इसका मतलब एक नई ओपनिंग कॉम्बिनेशन। वैसे तो रहाणे से भी ओपन करवाई जा सकती थी, पर इन्होंने स्टॉइनिस से करवाई, मार्कस स्टॉइनिस और शिखर धवन का एक नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन, और बड़ी जबरदस्त, मतलब 6 ओवर में 65 रन, पावर प्ले में प्रॉपर पावर प्ले हुआ, उसके बाद भी पिटाई चलती रही। शिखर तो बिल्कुल बेफिक्र होकर जब भी खेल रहे हैं, आजकल बड़ा कमाल खेल रहे हैं, मतलब जब ये खेलते हैं तो दिल्ली एकदम से ना बहुत कमाल की खेलने लग जाती है, दबंग हो जाती है, दिलेर हो जाती है, और अच्छा खेलती है यार। और शिखर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। मार्कस स्टॉइनिस को एक जीवन दान शुरू में मिल गया था, पर उसके बाद जो इन्होंने खेल को, मतलब जो रफ्तार पकड़ी, मैं कह रहा था ना हैदराबाद वो अजगर की तरह पकड़ती है और फिर वो सफोकेट करती है, नहीं करने दिया उनको, उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने ही नहीं दी। जहां पर भी ऐसा लगता था थोड़ा सा धीमा हो रहा है, वहीं पे एक्सेलरेटर पे पांव दबाते थे और तेजी से भाग जाते थे। तो जो नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन था, इसने एक्चुअली चीजें बदल दी, और उसके बाद आगे हेटमायर ने भी पिटाई कर दी। ऋषभ पंत से पहले हेटमायर को भेजा गया और ओपन करवाई गई मार्कस स्टॉइनिस के साथ, अजिंक्य रहाणे की बैटिंग नहीं आई, अक्षर पटेल को पैड करा के रखा हुआ था, देखो क्वाइट अ फ्यू चेंजेस दैट हैपेंड। पर आखिरी 10-12 गेंदों में एक्चुअली एक भी चौका नहीं आया, लास्ट 2 ओवर में एक भी चौका नहीं आया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा कमबैक किया था हैदराबाद ने, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दूर निकल गई थी दिल्ली। जो स्कोर था दैट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑन द नाइट। अब दूसरी कहानी क्यों बना, क्योंकि हैदराबाद ने छोड़ी कैचेस, एंड कैचेस विन मैचेस, कैच छोड़ो तो फिर मैच छोड़ो, कैच पकड़ो तो मैच पकड़ो, या मैं कमेंट्री में बहुत बार कहता हूँ ना, सुना होगा आपने। अब उसमें कहानी ये हुई कि शुरू में आपने स्टॉइनिस का कैच छोड़ा, पहली बात, उसके बाद एक शहबाज नदीम ने कैच छोड़ा, उसके बाद एक राशिद खान ने कैच छोड़ा, उसके बाद आपने कई सारे चौके छोड़े। आई मीन इतना मैंने, मतलब फील्डिंग में लैक्स या लैप्सेस ना मैंने एक बार भी नहीं देखा कभी। हैदराबाद को आप इस चीज़ के साथ कभी आइडेंटिफाई नहीं करते कि उनकी फील्डिंग में लैप्सेस होंगे। वो जो होल्डर ने जो कैच छोड़ा स्टॉइनिस का, तब स्टॉइनिस 3 पर थे, उसके अगली 8 गेंदों में शायद 5 चौके 1 छक्का मार दिया उन्होंने। आई मीन जले पे नमक किसे कहते हैं, वो सिखा दिया उन्होंने यार। कैचेस पकड़ने ज़रूरी थे, फील्डिंग अच्छी करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आपकी टीम मैन टू मैन मार्किंग में दिल्ली की टीम के पास वो पोटेंशियल, पेडिग्री, मैच विनर्स थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन आप जो थे वो तो उंगलियां मिलके मुट्ठी बनती थी ना, और अगर कैचेस छोड़ेंगे तो मुट्ठी नहीं बन पाएगी। दैट आई थिंक इन माई ओपिनियन जस्ट पैक देम बैक एंड हाउ, एंड इन दी एंड बहुत महंगे पड़े कैचेस छोड़ना, फील्डिंग मिस फील्डिंग, बार बार मिस फील्डिंग, और दैट जस्ट डिडंट वर्क आउट फॉर हैदराबाद। कैस्ट सेलेक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद, आई एम गोइंग विद मार्कस स्टॉइनिस। मार्कस भैया कस के मारा इन्होंने और बड़ी जबरदस्त शुरुआत की, क्योंकि शुरुआत ऐसे मुकाबलों में, सी नॉकआउट मुकाबलों में क्या होता है, कौन फ्रीडम के साथ खेल सकता है,
बहुत टीम्स नहीं खेल पाती, टिमिड हो जाती है, थोड़ा सा रुक जाती है, संभल जाती है, कॉशियस हो जाती है, कंजर्वेटिव हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिल खोल के खेलूंगा, शुरुआत से ही क्या पिटाई करनी शुरू की और एक अच्छी टोन सेट कर दी टीम के लिए। इनफैक्ट शिखर धवन ने तो मारना बाद में शुरू किया था, इन्होंने पहले शुरू कर दिया और फिर इनको देख के शिखर ने मारा, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। शिखर भी बहुत अच्छा खेले पर मार्कस स्टोइनिस ने वहीं नहीं रुके, एक ओवर में आके फिर दो विकेट चटकाई और उसके बाद वो केन विलियमसन की विकेट, तो तीन विकेट इनके खाते में, रन इनके खाते में, कैच इन्होंने पकड़ा। आई मीन और क्या रह गया था यार, मैं कह रहा हूँ कोई यूएस के अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खड़ा कर देते ना तो जैसा इनका दिन था ये शायद वो भी जीत जाते हैं। आई मीन जोक्स अपार्ट, ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग मार्कस स्टोइनिस, वेल डन सरकार, आप मेरे कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर। अगर आपने भी इनको चुना था तो फिर कैस्ट्रोल एक्टिव के फेसबुक पेज पर जाइए, यू मे हैव वन योरसेल्फ अ कैस्ट्रोल एक्टिव गुडी, सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू, बट ओनली आफ्टर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। अब बात करते हैं हम जरा हैदराबाद के नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन की। इट वॉज सी सरप्राइजिंग उतना नहीं है क्योंकि एक लेफ्टी एक राइटी है, आपको पता है कि अश्विन बॉलिंग करने आएंगे तो आपने प्रियम गर्ग से शुरुआत की और प्रियम गर्ग ने अच्छी बिटाई की यार, और शुरुआत में जो उन्होंने शॉट लगाया ना क्वाइट इंप्रेसिव, लड़का अच्छा है ये। वार्नर जल्दी आउट हो गए, वार्नर को रबाडा ने साफ कर दिया, दैट इज अ बिट ऑफ अ ह्यूज ब्लो है क्योंकि अगर आप 190 का पीछा कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि वार्नर रन बनाए। अब वो आउट हो जाते हैं, प्रियम गर्ग अभी भी आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर केन विलियमसन के साथ साझेदारी बन नहीं पा रही, मनीष पांडे आते हैं और थोड़ी देर में चले जाते हैं, फिर जेसन होल्डर आते हैं। थोड़ा बैटिंग ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा बदलाव जरूर नजर आया, होल्डर जब आउट हुए तो लगा मैच खत्म हो जाएगा, पर मैच कैसे खत्म हो जाएगा, अब्दुल समाद नाम का एक लड़का आया, जम्मू का ये लड़का, और कई शॉट तो ऐसा लगा कि जम्मू से मारता तो कश्मीर में जाके गिरती। इतनी बढ़िया इन्होंने बैटिंग की, मुझे बहुत इंप्रेस किया ये लड़के के पास, क्योंकि ना ये T20 जो स्किल्स चाहिए होती है ना, बड़े शॉट लगाना और इसके बैट से बॉल भागती है यार, ही इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। केन विलियमसन के साथ उन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी रची, इन दी एंड टू मतलब इट वॉज जस्ट अ लिटिल टू फार, द ब्रिज टू फार, जहां तक आप पहुंच नहीं पाए, पर हैदराबाद ने कोशिश पूरी की है। मैं तो कहूंगा वैसे हैदराबाद यार वेल डन, जिस तरीके का आपका कैंपेन रहा ना, पहले 9 मैच में सिर्फ 3 जीत, उसके बाद आप यहां तक पहुंचे, सिर्फ एक कदम दूर थे आप फाइनल में पहुंचने के, सो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस एंटायर टूर्नामेंट। जिस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी है बहुत दिल खुश किया आपने, इंजरीज थी आपको लेकिन इंजरीज के बावजूद आपने अच्छे अच्छे चेंजेस किए, अपनी उंगलियों को मिला के मुट्ठी बनाया। चलिए आखिरी में जाके एक नॉकआउट मुकाबला आप हार गए, बट आप तो 4 मुकाबले जीते भी हो ना नॉकआउट जो थे, यू बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, वेरी प्राउड ऑफ यू द वे यू हैव प्लेड। ये मेरा बैटिंग ऑर्डर का जो पॉइंट था उसके अंदर मैंने सब कुछ वो उसका समावेश कर दिया। नाउ लेट मी हेड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज श्रेयस अय्यर की कप्तानी। अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी से मैं इंप्रेस्ड हूँ यार, क्यों, क्योंकि कभी कभी बीच में हुआ था ना कि हम कह रहे थे यार ये अक्षर से बोलिंग नहीं कर रहा, ये क्या कर रहे हैं यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। पर अभी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से गेंदबाजों को उन्होंने मनूवर किया, बीच में एक रबाडा को ओवर लेकर आया, कहीं पे अश्विन को करवाया, बीच में फिर अक्षर को कराया, कभी इस छोर से कभी दूसरे छोर से, फिर नोकिया का सही इस्तेमाल, दुबे से कितने ओवर करवाने, स्टोइनिस का ओवर, बीच में आई थिंक ही डिड मिस अ ट्रिक कि स्टोइनिस के पूरे ओवर करवाए जा सकते थे, 3 ही करवाए वो 4 करवा सकते थे। पर जिस तरीके से सी अगर आप ये बैटिंग ऑर्डर का ऊपर नीचे करना, या आप कप्तान को भी कह सकते हैं, आप कोच की तरफ भी देख सकते हैं, आई विल गो विद द कैप्टन, क्योंकि कप्तान की टीम होती है यार, बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग चेंजेस, वट एवर बैटिंग ऑर्डर एंड ऑल ऑफ दैट, आई विल गिव होल क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर। सो वेल डन श्रेयस, आपकी टीम पहुंच गई है फाइनल तक, आप पहले कप्तान है दिल्ली के जिन्होंने इस फ्रेंचाइज को फाइनल तक पहुंचाया है, इतने साल 13 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो फिर जस्ट पैट योर बैक अ लिटिल बिकॉज यू डिजर्व इट, आपने बहुत अच्छे से शुरू से अब तक कप्तानी की है, बीच में थोड़े से हिकअप्स तो आएंगे पर फाइनल में मैं आपके बल्ले से रन्स की भी उम्मीद कर रहा हूं, तो श्रेयस वेल डन आउटस्टैंडिंग। लास्ट इज कैस्ट्रोल एक्टिव टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। आई थिंक मैच ना वॉज हैंगिंग इन द बैलेंस, थोड़ा बैलेंस मतलब 55 दिल्ली 45 हैदराबाद, और केन कंसिस्टेंट विलियमसन क्या बैटिंग कर रहे थे, क्या बैटिंग कर रहे थे, कूदते थे तो छक्का, इधर मारा तो छक्का, ही वॉज एक्चुअली टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम दिल्ली। और एक बार तो भैया आई कैन प्रॉमिस यू जानना यहाँ पर थी दिल्ली के लगा के होने वाला काम, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले हार चुके थे पिछले 6 में से, इस मैच से पहले 6 में से 5 मुकाबले हार के यहाँ पहुँचे थे, तो फिर आपको लगता है कि कहीं ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए वो घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, इस टीम को तो हमने एक बार भी इस टूर्नामेंट में नहीं हराया एंड ऑल ऑफ दैट। पर वो जो केन विलियमसन का विकेट था, थोड़ी वाइड बॉल थी, छोड़ दे तो एक्चुअली वाइड हो जाती, स्टोइनिस की बॉल थी, उन्होंने कट वो ऐसे इनसाइड आउट शॉट मारा और पीछे थे खड़े कगिस और रबाडा, रूथलेस रबाडा, भैया 4 विकेट इन्होंने चटकाई, अगर मैंने पूरे रिव्यू में बात ना की हो तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। आउटस्टैंडिंग कगिस और रबाडा साहब, एक ही ओवर में 3 विकेट, शुरू में वार्नर की विकेट, तो आप तो हो ही बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, पर्पल कैप आपके सर पे बिल्कुल विराजमान है,
तो अगर नहीं मेंशन किया होगा तो माफी चाहता हूँ आपसे, रूथलेस रबाडा साहब। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था दैट वॉज केन विलियमसन का वो शॉट कैच आउट, गेम ओवर। वो गेम ओवर वाला एक मोमेंट था जिसमें मार्कस स्टोइनिस वंस अगेन वाज इंस्ट्रूमेंटल, एंड दैट्स अबाउट इट। एक्चुअली दिस वाज क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन इन द एंड, 17 रन से जीते, बट 17 रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम लगता है 17 मतलब बहुत पास आ गए, इतना पास था नहीं मैच, क्योंकि आखिरी दो ओवर में सिर्फ एक ही टीम लग रहा था जीतेगी और वो टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। वेल डन दिल्ली, दिल्ली दुरुस्त है, दिल्ली अब दुरुस्त नहीं है, दिल्ली दुरुस्त है, एंड इट इज एक्चुअली ग्रेट न्यूज। अब फाइनल में देखते हैं कि 10 तारीख को क्या होगा, इट्स दिल्ली वर्सेस मुंबई, मजा आएगा बॉस।